Hello everyone, welcome back to Doubtnet guys. So after finishing our chapter Human Health and Disease, today we will be discussing about another chapter, that is Strategies for Enhancement in Food Production, जो NCERT हमारा Government Prescribed Syllabus है, उसके हिसाब से chapter number 9 है ये, और इसके ऊपर भी हमसे बहुत बार questions रहे हैं, पूछे गए हैं. So let's talk about that one by one. जिसमें जूलॉजी में जो मेन हिस्सा है वो एनिमल हस्बेंड्री वाला है. आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रेटजीज फॉर इन फूड प्रोडक्शन. ठीक है, तो इसके अंदर हमें बात करनी है क्यों जरूरत पड़ रही है हमें फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने की, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. वी नीड इट बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन विच इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. And we are unable to provide them with adequate nutrition. तो ये तो बात हो गई कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है जिस पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की. कन्वेंशनल मेथड से नहीं हो रहा था, तभी हमने मॉडर्न मेथड्स को अपनाया है. सम मॉडर्न टेक्निक्स लाइक कैसे, जैसे कौन सी टेक्निक, MOET मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, टिश्यू कल्चर, हैज हेल्प्ड अस इन दिस रिगार्ड. ठीक है, तो इन बहुत सारे लोगों ने, हमारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने मदद भी करी है. अब इसमें जब हम एनिमल्स का ध्यान रखते हैं, सबसे ज़्यादा फूड हमें काम तो एट्रोट्रॉप्स हैं, हमें फूड हमेशा एनिमल से मिलता है, तो हमारा फोकस होता है कि एनिमल से हम फूड कैसे लें. तो इसलिए यहाँ पर जो टॉपिक होता है सबसे पहले वो होता है एनिमल हस्बेंड्री. कौन सा टॉपिक होता है, एनिमल हस्बेंड्री. हस्बैंड का क्या मतलब होता है लैटिन में, वंस वो टेक केयर. ठीक है, हस्बेंड्री एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है हस्बैंड. हस्बैंड इन लैटिन मींस वन वो टेक केयर. तो आपको यहाँ पे एनिमल्स का ध्यान रखना है. ध्यान रखने के अंदर आप लोग क्या करोगे, उनको अच्छे से ग्रो कराओगे, उनको अच्छे से न्यूट्रिशन दोगे, ताकि आपको जो फूड प्रोडक्ट्स चाहिए वो सारे के सारे आपको अवेलेबल हो पाए. सिंपल सी बात है, मतलब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात तो है ही नहीं. ठीक है, ठीक. तो टेक केयर आप जो है इसके अंदर वो कैसे करते हो, फीड करना, ध्यान रखना पड़ता है. फीडिंग, ब्रीडिंग एंड फीडिंग ब्रीडिंग एंड रेजिंग एनिमल्स ऑफ लाइव स्टॉक जो है फॉर द प्राइमरी पर्पस
ज़्यादातर लोग जो ऑप्टेन करते हैं उससे क्या ऑप्टेन करते हैं, मिल्क ऑप्टेन करते हैं, मीट ऑप्टेन करते हैं, एग्ज़ ऑप्टेन करते हैं, हनी ऑप्टेन करते हैं, और सिल्क भी ऑप्टेन करते हैं। इस काम वाले जो तरीका है उसको कहते हैं। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है, ऑल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑफ कमर्शियल वैल्यू इज कॉल्ड एज लाइव स्टॉक। ऑफ कमर्शियल वैल्यू इज कॉल्ड एज लाइव स्टॉक। तो पूरा लाइव स्टॉक का हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। खाने में दो मेन चीज़ें होती हैं, फीडिंग के अंदर दो मेन सब्सटेंसेस आपने बहुत पहले भी सुना होगा, एक को बोलते हैं रफेज। मुझे तो याद है जब 8th क्लास में हम लोग होते हैं और वहाँ पे बैलेंस डाइट पढ़ते हैं तो पहली बार ये आता है, विच हैज़ मोर फाइबर, इंक्लूड्स जो फोडर होता है जो वो खाते हैं लोग, या स्ट्रॉ होता है, फोडर, 2 डी आते हैं फोडर में। दूसरा जो आपके पास होता है इस कैटेगरी में वो होता है कंसंट्रेट्स। कंसंट्रेट्स वाली जो कैटेगरी होती है उसके अंदर अगर हमसे पूछा जाए कि कंसंट्रेट वाले में हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, कंटेन सीरियल्स, हाई लीफ प्रोटीन्स, कंटेन सीरियल्स एंड हाई लीफ प्रोटीन्स। तो इस तरीके से हमारे पास चीज़ें होती हैं, कोमा मिलेट्स, जैसे ऊपर फोडर होता है, स्ट्रॉ होता है, सीलेज है, जैसे नाम होते हैं बहुत सारे जो चारा वगैरह हम खिलाते हैं जानवरों को, उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है, ठीक है। और इन एनिमल्स को ध्यान से देखोगे तो वो लाइव स्टॉक मैनेजमेंट के नाम से आ जाएगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एनिमल्स, इज कॉल्ड एज लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है। इट इंक्लूड्स, एक तो बफेलो मिल्क वगैरह तो बात कर ही ली, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरी ऑल्सो, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरी ऑल्सो। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिशरीज में क्या करते हैं आप लोग, फिशरीज में रियरिंग होती है, कैचिंग होती है, बड़ा करते हैं, ग्रो कराते हैं, सेलिंग ऑफ फिश होता है, यहाँ पे दो डिफरेंट टर्म्स कई बार यूज़ कर लिए जाते हैं। एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वा कल्चर, जिसमें सभी इक्वाटिक एनिमल्स आ जाते हैं, और जो दूसरा टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिस्सी कल्चर। क्या बोलते हैं, पिस्सी कल्चर, पाइसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों शब्द हैं, दोनों के दोनों एक जैसे वर्ड्स होते हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं होता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात जिस पर सवाल कई बार रहा है, 70% जो है, 70% ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स
जिनसे आपको ये सब ऑब्टेन हो सकता है, वो कहां पर है? इज इन चाइना एंड इंडिया। एंड इंडिया बट रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज कंट्रीज, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इज लेस देन 25%। यानी हम लोग अपनी एफिशिएंसी पर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें मॉडर्न टेक्निक्स की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम अपनी एफिशिएंसी पे यहाँ पे काम कर रहे होते तो हमारे लिए कोई भी मुश्किलात होनी ही नहीं थी। अगर हमारे को भगवान ने पॉपुलेशन ज़्यादा दी है तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज भी उसी हिसाब से ज़्यादा मिले हुए हैं, बट हम उन पर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको बढ़ाने के लिए समय समय पर डिफरेंट डिफरेंट लोग आए हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, इस एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज किया जाए, इसको करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे लोग आए हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें किसका इम्प्रूवमेंट किया गया? इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, क्या हुआ उसके अंदर, किसने किया? नॉर्मन ई बॉर्लक। नॉर्मन ई बॉर्लक कौन है? नॉर्मन ई बॉर्लक फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का पूछ लिया जाए या इंडिया का पूछ लिया जाए तो क्या करना है? एमएस स्वामीनाथन, इंडिया। एमएस एक डिग्री भी होती है मेडिकल साइंस में, एमएस स्वामीनाथन, इंडियन फादर ऑफ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वाइटल इन्फॉर्मेशन है। इसके बेस पर बहुत बार हमसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये नाम हमें एटलीस्ट पता हो। ठीक है, इन्होंने क्या डेवलप किया था? डेवलप्ड बासमती राइस। इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद ब्लू रेवोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं, जिसमें हमने एक्वा कल्चर को इम्प्रूव किया था। द फर्स्ट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन, द सेकंड इज द ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन में क्या इम्प्रूव किया गया था? एक्वा कल्चर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, द थर्ड वन इज, जिसमें मिल्क को इम्प्रूव किया गया था, वाइट रेवोल्यूशन, जिसमें इंडिया में बहुत बड़ा रोल है अमूल का। इम्प्रूवमेंट हुआ था जिसके अंदर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, एंड क्वालिटी। ठीक है, इंडिया में इसके पीछे कौन व्यक्ति है? वर्गेज़े क्यूरिन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। क्यूरिन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। वर्गेज़े क्यूरिन इज दैट साइंटिस्ट जिन्होंने इसको कंट्रोल किया या बनाया था, तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। ही इज द फाउंडर ऑफ अमूल ऑल्सो, फाउंडर ऑफ अमूल। ठीक है, उन्होंने फाउंड भी किया था, फाउंडर चेयरमैन है वो।
चेयरमैन वर्ड भी लगा सकते हो अगर लगना चाहो तो. सो वी हैव बेसिकली थ्री मेन रेवोल्यूशंस. फिर पोल्ट्री जो प्रोडक्शन है एग या मीट, उसके लिए सिल्वर रेवोल्यूशन हुआ था नंबर थ्री के बाद. नंबर फोर सिल्वर रेवोल्यूशन फॉर पोल्ट्री. किस चीज के लिए हुआ था सिल्वर रेवोल्यूशन फॉर पोल्ट्री? एग एंड मीट प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रहा था. डॉक्टर बी वी राव जो थे इसमें मेन साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग इन इंडिया. So we have learned about the four main revolutions. Silver revolution, white, blue and green. क्यों हमें ज़रूरत है, कैसे हमें ये काम करना होता है या करना पड़ता है. इसमें सबसे पहले जो मैनेजमेंट आती है, जो हमें ध्यान देनी है, वो है डेयरी फार्म मैनेजमेंट. सबसे पहली जो मैनेजमेंट आती है हमारे लिए वो होती है डेयरी फार्म मैनेजमेंट या लाइव स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर. जो मिल्क प्रोड्यूशन है हमारा, उसको कैसे हमें डील करना है, कैसे उसको इंप्रूव करना है. ठीक है, तो क्या होगा इसमें? पहला तरीका, कीप ब्रीड्स ऑफ गुड क्वालिटी डिजीज फ्री. डिजीज की एक डेफिनेशन आपने क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, अनडिस्टर्ब होना को डिजीज कहते हैं, डिस्टर्ब होने को डिजीज कहते हैं. तो डिजीज डिस्टर्ब नहीं होने देना उनको, इस तरीके से काम करना है. कीप एडिक्वेट वाटर सप्लाई फॉर देम. एंड क्लीनलीनेस फॉर देम. ये दो काम और हमें उनके लिए हमेशा करके रखने हैं, जो जो भी इस तरीके के एनिमल्स होते हैं जिनका हमें यूज़ करना है. बहुत असेंशियल होता है ये. कीप ए वेल कीप अ गुड सिस्टम फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क. ये भी इम्पॉर्टेंट है. रेगुलर विजिट्स बाय वेटनरी डॉक्टर भी इम्पॉर्टेंट है. वेटनरी मतलब हम सब जानते हैं शायद, वो डॉक्टर होता है जिसका काम होता है क्या करना, इस तरीके के एनिमल्स का ध्यान रखता है वो, उसको कहते हैं वेटनरी डॉक्टर. ठीक है, ये हमें मालूम होना चाहिए. कुछ हमारी खुद की कैटल्स हैं, कुछ हमारी बाहर की ब्रीड्स हैं, जैसे एग्जॉटिक ब्रीड्स. अगर हम बात कर लें एग्जॉटिक ब्रीड्स की, तो एग्जॉटिक ब्रीड्स में कौन आएगा? होल्स्टीन फ्रीजन ऑफ हॉलैंड. कौन आएगा? होल्स्टीन. रीजन ऑफ हॉलैंड आएंगे. जर्सी इंग्लैंड. जर्सी ऑफ इंग्लैंड. ऐसे ही आ जाएंगे ब्राउन स्विस ऑफ स्विट्जरलैंड. ब्राउन स्विस ऑफ स्विट्जरलैंड.
ऐसे इम्प्रूव्ड वैरायटीज जिसमें हमारी और फॉरेन की दोनों को मिक्स कर दिया गया हो। उनके कई तीन नाम देखें तो हम सबसे पहले करण स्विस, क्या सबसे पहले करण स्विस, बी कौन है, करण फ्राइस, समझ में तो आ ही रहा होगा। एक को ब्राउन स्विस से करा है, एक को ऊपर वाली फ्राई से करा है, थर्ड होता है जर्सी सिंधी। तो इस तरीके से हम लोग ये वाले काम करते हैं और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी रहता है। इसमें स्विस तो हमें पता ही है, इसमें साहिवाल ऑफ इंडिया ली गई है, करण फ्राइज में भी ऑब्वियसली, फिर इसका मतलब आपने साहिवाल ऑफ इंडिया ही लिया होगा। करण फ्राइज यहाँ पे क्या लिया होगा, थार पारकर ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली आप इसको करण को हमेशा उसी नाम से मैच कर देंगे, प्राइस तो हम जानते ही हैं कौन सी है और जो वो है वो हमें मालूम है। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये थार पारकर वाला जो क्वेश्चन है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये सारे हमें आने चाहिए। इसके ऊपर हमसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि एक और जो हमारी क्लासिफिकेशन होती है वो क्या यूज़ की जाती है, कि हम क्या क्या वर्ड कैटल में यूज़ करते हैं। जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं काओ, काओ वर्ड का क्या मतलब होता है, अडल्ट फीमेल, क्या मतलब होता है अडल्ट फीमेल। ऐसे ही हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं बुल, बुल का क्या मतलब होता है अनकैस्ट्रेटेड, जिसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमने रिमूव नहीं किए होते उसे कहते हैं अनकैस्ट्रेटेड, तो अनकैस्ट्रेटेड अडल्ट मेल, अनकैस्ट्रेटेड अडल्ट मेल, उसको क्या कहते हैं बुल। तो इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे नाम होते हैं जिससे जो हमसे उम्मीद की जाती है कि हमें वो सारे नाम वगैरह एट्सेट्रा जो चीज़ें हैं वो पता होंगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, उसके बाद हमें पता होना चाहिए बुलॉक या ऑक्स किसको कहते हैं। तो ऑक्स कहते हैं कैस्टरेटेड अडल्ट मेल को, और अगर हमसे कोई पूछ लेता है व्हाट इज स्टीर, तो स्टीर का मतलब होता है यंग कैस्टरेटेड मेल। स्टीर का मतलब क्या होता है, यंग कैस्टरेटेड मेल। कुछ इंडिया के ब्रीड्स हैं, कुछ बाहर के ब्रीड्स हैं, वो हम बात कर चुके हैं, करन स्विस जर्सी ये सब सिंधी और करण ये इंडिया के हैं, थार पारकर और साहिवाल ये क्या इंडिया की हैं, और फ्राइज और स्विस वगैरह एग्जॉटिक ब्रीड्स होती हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी की सारी हमें पता होनी चाहिए। 9th-10th में हम पढ़ के आए कौन कौन सा किस किस रीजन में पाई जाती है, ये भी पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैटल ब्रीड्स, अगली बात जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है वो होती है क्लासिफिकेशन ऑफ कैटल ब्रीड्स, कि जो कैटल ब्रीड्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो उसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर हम सोचें तो फर्स्ट होता है मिल्क ब्रीड विच आर गुड मिल्क प्रोड्यूसर्स, फर्स्ट इसमें आते हैं गुड मिल्क प्रोड्यूसर्स जिनसे दूध का काम लेते हैं हम ज़्यादातर, उसको कहते हैं कॉल्ड एज मिल्क ब्रीड्स। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास नाम होता है ड्रॉट ब्रीड्स विच आर गुड फॉर वर्किंग, गुड फॉर वर्किंग, तो मैं पुअर मिल्क प्रोड्यूसर्स उसको क्या कहते हैं हम लोग, दे आर कॉल्ड एज ड्रॉट ब्रीड्स। ठीक है, और कुछ होते हैं जो दोनों में आते हैं उसे कहते हैं ड्यूल पर्पस ब्रीड्स,
कुछ होते हैं जो दोनों में आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ड्यूल पर्पस ब्रीड्स, ठीक है। ये हम जानते हैं, जैसे साहिवाल ऑफ इंडिया है, यहाँ पर करण स्विस के क्रॉस में साहिवाल है, और स्विस कहाँ से आया है, स्विस येरा स्विट्जरलैंड वाला, इनके बीच में क्रॉस था। तो साहिवाल नॉर्मली इंडिया में कहाँ मिलती है, पंजाब में और हरियाणा में, कहाँ मिलती है, पंजाब में मिलती है और हरियाणा में मिलती है। इसी तरीके से जो थार पार्कर जो हम कह रहे हैं, इस तरीके की वो होती है कि कोई कहीं मिलता है और कोई कहीं मिलता है, जैसे रेड सिंधी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलती है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, एच रह गया। रेड सिंधी वहां मिलती है। तो इस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि जो कैटल है हमारे, इंडियन कैटल है, बॉस एंडेकस है, वो कहां कहां पर, कौन कौन सी उसकी स्पीशीज प्रेजेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता रहता है। अब हमने जो यहाँ पे बात की वो काउज वगैरह की बात की, बेसिकली कैटल ब्रीड की बात की, बॉस एंडेकस, ठीक है। इसमें डिजीज कौन कौन सी हो सकती है जिनसे हमें बचाना है, हमने क्या बोला था शुरू में, यही बात की थी ना कि मैनेजमेंट जब करोगे तो वेटनरी डॉक्टर चाहिए, क्लीनिनेस रखना है, डिजीज से उसे बचाना है। तो किन किन डिजीज से बचाना है, तो कैटल डिजीजेस, वी कैन टॉक ऑफ कैटल डिजीजेस। तो इसमें एक ही नाम सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज। तो बैक्टीरियल हो सकता है, अगर बैक्टीरियल डिसऑर्डर है तो कौन सा होगा, ठीक है, जैसे एंथ्रेक्स हो गया या ब्लैक क्वार्टर ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या रिंडर पेस्ट कैटल प्लाग, ये नाम इंपॉर्टेंट है, रिंडर पेस्ट ब्रैकेट कैटल प्लाग। तो ये जितने भी नाम है सारे के सारे इंपॉर्टेंट नाम है। दूसरा डिसऑर्डर हो गया वायरल। अब वायरल डिसऑर्डर में क्या होता है, रेबीज हो गया, काउपॉक्स हो गया, जैसे स्मॉल पॉक्स होता है, सुना भी होगा इस काउपॉक्स वायरस से ही हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स वाला इन्फेक्शन ठीक भी किया था एक बार, तो स्मॉल पॉक्स बच्चे वैक्सीन बनी थी वो ऐसे ही बनी थी, 12th वाले चैप्टर इसी में थोड़ी देर पहले इसी नीट की सीरीज में हम लोगों ने डाउट नेट पे ये चीज देखी थी। थर्ड इज फंगल, फंगल इन्फेक्शन अगर कोई पूछेगा तो एक्टिनोमाइकोसिस, रिंग वॉर्म से होने वाले या एक्टिनोमाइकोसिस से होने वाले जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो किसमें आते हैं, फंगल में। तो इस तरीके के इन्फेक्शन होते हैं बहुत सारे जो कॉज होते हैं जो पूछे जाते हैं हम लोगों से। ऐसे ही हमारे पास बफेलोज भी होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, क्या होती हैं ऐसे बिल्कुल इसी ट्रेंड पे बफेलोज, जैसे काओ कैटल कर लिया आपने, बस ऐसी बफेलो पढ़ लेना आप लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। क्या बोलते हैं, बबेलस बबेलस, बबेलस बबेलस, ठीक है। लॉन्ग लाइफ स्पैन देन कैटल, लॉन्ग लाइफ स्पैन एंड ग्रेट डिजीज रेजिस्टेंस, देन कैटल मोर मिल्क ऑफ हाई फैट कंटेंट, इट्स मिल्क हैज हाई फैट कंटेंट, इससे कैटल से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है इसके अंदर कि किस तरीके से इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रीड्स कौन सी होती हैं इसकी, ब्रीड्स मुर्रा होती है जो कहाँ मिलती है, पंजाब हरियाणा यूपी,
जो यूपी में मिलती है, पंजाब में मिलती है, हरियाणा में मिलती है, ठीक है। दूसरा जाफराबादी होती है गुजरात की, होती है गुजरात की। तो ऐसे बहुत सारी स्पीसीज होती हैं इसकी जो पूछी जा सकती हैं एग्जाम के अंदर, हमें याद रखनी पड़ती हैं। ऐसी एक और होता है एनिमल में, लाइफ स्टॉक में, जिसका हमने शुरू में कहा था ना, मिल्क, मीट, वूल, हनी, ऐसे शिप। शीप में का नाम क्या होता है? ओविस एरिस। क्या नाम होता है बेटा इसका? ओविस एरिस। यूज्ड फॉर वूल एंड मटन। किस लिए इसको ग्रो कराते हैं? रियर्ड फॉर वूल एंड मटन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है शीप के पास कि शीप को किस तरीके से हमें ग्रो कराना है, ये बात भी हम लोगों को पता होनी चाहिए। इस पे भी हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें मालूम हो, ठीक है। एग्जॉटिक ब्रीड्स कौन सी होती हैं इसमें शीप के अंदर? एग्जॉटिक ब्रीड्स, तो एग्जॉटिक ब्रीड्स में डॉर्सेट, हॉर्न और मेरिनो तीन होती हैं। डॉर्सेट, हॉर्न, कोमा, मेरिनो, ये तीन होती हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस? जैसे शहतूश, द किंग ऑफ वूल्स, क्या इंपॉर्टेंस है शहतूश? किंग ऑफ वूल्स कहां से बनाई जाती है? फ्रॉम द हेयर ऑफ तिरु। फ्रॉम हेयर ऑफ तिरु, तिब्बतन एंटेलॉप होता है, वहां से यूज किया जाता है। यही वो होते हैं जो कहीं कहीं जाते हैं, हमें बताते हैं ना, एक फिंगर रिंग में से निकल जाएगा, ये इतना बढ़िया है, वो शैतूश वाला ही होता है। ऐसी एक और वूल होता है अंगूरा वूल। क्या होता है अंगूरा वूल? वो क्या होता है? फ्रॉम अंगूरा रैबिट। तो ये बहुत सारे शैतूश को जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसका बंद कर दिया गया, क्योंकि इसके चक्कर में बहुत सारे लोग इस एनिमल को मारने लग गए। ओके, नाउ वन मोर डोमेस्टिकेटेड एनिमल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, गोट, डेंगू में बहुत काम आता है पता होगा, कैप्रा कैप्रा, बुफलो बबलस बबलस, ये आपको मालूम होगा टोटोनिम्स के नाम से फेमस होते हैं। क्या कहते हैं गोट के बारे में, क्या बात ध्यान रखनी बात होती है इसमें? कॉल्ड एज पुअर मैन्स काउ। पुअर मैन्स काउ, ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। गोट मिल्क बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज फैट ग्लोब्यूल्स। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज फैट ग्लोब्यूल्स, इसलिए इजीली डाइजेस्टेबल होता है। इंटेस्टाइन जो होती है गोट्स की, ऑफ गोट्स, उसका क्या यूज होता है? यूज्ड फॉर मेकिंग सूचर्स, कैटगट्स। फॉर मेकिंग कैटगट सूचर्स, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सारे का सारा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर। पश्मीना वूल, एक वो फेमस वूल होती है, वो पश्मीना गॉड से आती है। पश्मीना वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम
पश्मीना गॉट ऑफ कश्मीर. तो ये हमें मालूम होना चाहिए सारा, कैसे कैसे कौन कौन से लोग हैं, कैटल डिजीज क्या है, कौन कोज कर सकता है इस बात को. अब हम लोग फोकस करते हैं द लास्ट पार्ट, ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सब हम जानते ही हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन तो प्लांट वाला, तो वो लोग कराएंगे, या मिल्क वाली बात हमने अच्छे से कर ली. अब एग की बात और कर लेते हैं हम लोग. पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, तो देखो भाई पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट वाला अगर हम हिस्सा देखेंगे तो क्या होगा इसमें. डोमेस्टिकेशन ऑफ बर्ड्स और फाउल्स यूज्ड फॉर फूड. फाउल्स और बर्ड्स यूज्ड फॉर फूड. ठीक बात है, ठीक है. तो इस तरीके की चीजें हमें इसमें यूज करनी है. चिकन्स, डक्स, इन चीजों पे ध्यान देना है. इन्वॉल्व्स क्या चीज करनी पड़ेगी, सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड प्योर ब्रीड्स. सुटेबल ब्रीड्स, प्रॉपर वाटर, और ये सब तो जानते ही हम. प्रॉपर सेफ फॉर्म कंडीशन, प्रॉपर फीडिंग एंड वाटर. तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि अच्छे से हमारी जो ब्रीड है वो ग्रो करे. बर्ड्स मेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओनली एग्स. क्या बोलते हैं उसे, कॉल्ड एज लेयर्स. ठीक है, और जिनको मीट के लिए करते हैं उन्हें कहते हैं ब्रॉयलर्स. या फाउल्स या बर्ड्स कोई भी. ओनली मीट कॉल्ड एज. ठीक है, तो ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. लेयर्स में कौन आता है, व्हाइट लेग हॉर्न. ठीक है, और ब्रॉयलर्स में कौन आता है, फ्लाई माउथ रॉक या न्यू हेमिस्फेयर. इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ये आता है. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं छोटे छोटे, जो हमें ध्यान रखने होते हैं, जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमें मालूम होना चाहिए जिनके बारे में. तो ये सब क्वेश्चंस हैं. और जो दोनों के लिए होगा वो तो ड्यूल पर्पस ब्रीड होगा ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, वो तो बहुत सिंपल सी बात है. इंडिया स्टैंड्स एट सिक्स्थ पोजिशन. In poultry farming, in world, दुनिया में हम कौन सी पोजिशन पे, छठी पोजिशन. अब बात आ गई डिजीजेस, जिसको हम कहेंगे poultry diseases. इसमें क्या क्या होगा, जैसे सेम वही वायरल बैक्टीरियल. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वायरल डिसऑर्डर्स की. रानी खेत बहुत बार पूछा गया है, का नाम रानी खेत, और न्यू कैसल डिजीज और एवियन निमोनिया.
एवियन न्यूमोनिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है. इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, ठीक है. ऐसे ही दूसरा होता है बैक्टीरियल डिजीज, कॉलरा और टाइफॉइड वगैरह. दूसरा डिसऑर्डर होता है बैक्टीरियल, जिसको हम लोग बोलते हैं फाउल कॉलरा. फाउल टाइफॉइड ऐसे होता है फंगल, जैसे कैंडिडियासिस. तीसरा हो सकता है फंगल, जिसको बोलते हैं कैंडिडियासिस. ऐसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. प्रोटोजोल हो सकता है कोकिडियासिस. प्रोटोजोल हो सकता है कोकिडियासिस. वैसे बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं. न्यूट्रिशनल डिजीज हो सकता है अगर आपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा तो. जैसे पेरोसिस, एक वायरल डिजीज आपने देखा होगा, बर्ड फ्लू भी होती है. बर्ड फ्लू किससे होती है? H1N1 वायरस से. किससे होती है? H1N1 वायरस से होती है. तो ये बहुत सारी चीजें, इस तरीके की चीजें यूज की जाती हैं बहुत बार, जो हमारे काम आती है और जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, अच्छे से हमें पढ़ा हुआ होना चाहिए. इनमें से कोई भी क्वेश्चन हमसे कभी भी एक्सपेक्टेड होता है कि पूछ लिया जाए, ठीक है. तो ये हमारा काम है आज का, हमें ये करना था. अब हम अगली क्लास में इसके चैप्टर में एनिमल ब्रीडिंग की बात करेंगे. फॉर्म मैनेजमेंट कर लिया हमने, थोड़े बहुत ब्रीड्स की बात कर ली है इसी चैप्टर में, ठीक है. तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, द पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर, द लेक्चर. अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे फर्दर इस टॉपिक पे अगली क्लास में, जल्दी वो वीडियो भी आप लोगों तक पहुंच जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस इज अभिमन्यु भैया फ्रॉम एनएसपी सेंटर विद्या मंदिर. बाय गाइज.